दिया आपका लोटा टब का, आप टब भी एडजस्ट कर सकते हैं, इस जगह का ढाल भी यहाँ पे आ जाएगा, शावर एरिया का तमाम ढाल यहाँ होगा। ये आ गए हम कमोड के ऊपर, ये हमारा है कमोड, 3x4 की एल्बो लगी है। ये दीवार से कितनी दूर रहेगा पॉइंट? ये दीवार से 2 इंची दूर रहेगा। ठीक ठीक हो गया। ये हमारी है वाइटी, ये कमोड का पानी डायरेक्ट गया, बैक नहीं करेगा। वाइटी यूज़ होती है, प्लेन टी प्लेन एल्बो नहीं यूज़ होती। वाइटी लगी डायरेक्ट बाहर गया, सामने पीछे आए रिलोकेशन होता है। ये सामने वाला टब का पानी थिरो थिरो आएगा, इसमें भी वाइटी लगा दी। ये वेनेट्री का पानी जा रहा है, वो वेनेट्री का लोटा आया सीधा यहाँ पे सक हुआ और यहाँ से ये डायरेक्शन है इसकी। तो ये हम पहले कचरे देता हूँ कि ये ऐसा रखना है हमारे को कि ये आ गया हमारा 15 इंची सेंटर। अच्छा ठीक हो गया, स्टैंडर्ड साइज है, स्टैंडर्ड साइज है। ये आ गया हमारा 1.5 इंची या 2 इंची, ठीक है, ये वो एडजस्ट हो जाएगा ताकि इसकी फ्लश टंकी पीछे से टैग पे आ जाए। ठीक हो गया। कमोड की, कमोड की मैं इसलिए, अच्छा ये कमोड के अंदर हम एल्बो लगाते हैं? जी हाँ, 3x4 की, क्योंकि उसका अपना पर्सनल कमोड होता है। कमोड के अंदर जो लोटा होता है उसका अपना पर्सनल लोटा होता है, इस वजह से हम लोटा यूज नहीं करते, हम 3x4 की एल्बो यूज करते हैं ताकि इस पे थंबल बिठा के हम सीधा कमोड रख दें। ठीक है, अच्छा इसकी पैमाइश भी देख लें आप, ये 1 फीट हमने इसकी धार हटाई यहाँ से, अगर टब लगता है तो हम टब लगाए तो ठीक, हमने 1 फीट यहाँ से धार हटाई इसकी, सही, तो 1 फीट हमने ये टक कर दी, माना 1x1 एरिया छोड़ने के बाद हमारे टब का सेंटर आ गया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जुड़ती है फिटिंग और क्या डिसिप्लिन है इसका। अच्छा जी, हम पीस बाहर से पैमाइश वाले काट के लेकर आ गए, ये आपको बताई थी वही है। तो एक पीस हमने पैमाइश के हिसाब से यहाँ रख दिया कच्चा, कि हाँ भाई प्रॉपर है ये, ठीक हो गया, ये हमने रख दिया इधर प्रॉपर है। फिटिंग हम ऐसे ही छोड़ के गए थे, बिल्कुल ऐसे ही है, अभी हम पीस काट के लिए आए, उसको प्रॉपर चेक करने के लिए हमने सरसरी रखना है। ये आ गया इसका पीस, डन हो गया। अब हमने इस फिटिंग को चिपकाना है, ठीक है, स्टॉप कर उठाएंगे वो 45 डिग्री को साइड में करके वाई टी उठाएंगे सबसे पहला, माना वाई टी में किस पोजीशन से हमने लगाना है, ये कच्चे लगा के छोड़ देना है, 1 2, और ये तीसरा जो पीस है हमने ये पक्का करना है। इसको अच्छी तरीके से सिलोशन लगाना है, सिलोशन में कसर नहीं छोड़नी। आपने इनसाइड लगाया फिर अपसाइड आएगा, अपसाइड कॉलर बनेगा 1 इंची का मैक्सिमम, उसको आप इस तरीके से राउंड घुमाएंगे ताकि प्रॉपरली अपनी जगह पे आ जाए। तो पीस सबसे सॉलिड जो तरीका है आपने ज़मीन पे रखा, इसी तरह करना है। हम ये निकाल लेंगे, आगे की फिटिंग वेनेट्री की जो सेकंड पॉइंट आ रहा है, इसको
इसको हमने इस साइड पे लेना है क्योंकि हमने स्ट्रेट रखा है इसको, इस पे बैठे और इसको पिक। मैं आपको दिखा दूँ कि ये नोट करना है आपने, करीब लाइन ये जो धार है ना लाइन, ये लाइन से लाइन मिल जाए और पूरा पीस बैठ जाए, ठीक हो गया, ये प्रॉपर बैठा है, लाइन से लाइन मिलानी है वरना आउट एडजस्टमेंट हो जाएगी। जमीन पे ऐसे रखना है, इस एल शेप में लाके इस पे आपने पैर रखा और इसको मूव कर लिया आपने, ये देखा स्ट्रेट हो गया, ओके ठीक हो गया। हमने ये वाला पीस भी ऐसे ही हैंग करना है, रखे रखे जमीन पे, हमने इस तरह सॉल्यूशन लगानी है इस पीस को लॉक करने के लिए। एक अपने हेल्पर से या किसी भीड़ से बोला कि हाथ रख लें या पैर रखें, आप यहाँ पे पैर रखें तो लॉक हो जाएगा। ये पीस को बिठाने का तरीका क्या है, ये तरीका सॉलिड तरीका, ये आपने इस तरीके से ये मूव करते हुए अंदर गए तो आठ, तो यहाँ से आपने धक्का देना है, प्रेस करना है यहाँ से, बिल्कुल ओके टेक बैठेगा पीस, ठीक है छोड़ो ओके। ये पीस भी हम इसमें हैंग कर लेंगे, वैनिटी अच्छा, अब हमारे ले गए लोटे लगाना, तो लोटे लगाने का एक सॉलिड सा मैं आपको तरीका बता दूं, एक फेयर अच्छा, सी लाइन हमारी यहाँ से बाहर बाहर जाएगी। जी हाँ, ये तमाम जितना भी पानी कम आउट का, टप का, वैनिटी का जितना पानी है ये इस तरीके। अच्छा अभी आप ये समझाओ, किसी का पानी किसी और पाइप में तो नहीं भागेगा? नहीं भाग सकता, उसका ये डिसिप्लिन है कि आपका कम आउट का पानी यहाँ गिरा तो थ्रू हो गया, वो बैग नहीं कर सकता। हम वाईटी लगाने का मकसद ही यही है, हमने सिर्फ काम करना है वाईटी और 45 डिग्री पे। अच्छा, इसके अलावा कोई चीज यूज नहीं करनी। टी अगर हम लगाते हैं तो फिर भागता पानी, फिर जम करेगा पानी। अगर मैंने यहाँ पे टी लगा देनी थी तो पानी यहाँ से आता, आधा इधर भागता, आधा इधर भागता, ठीक हो गया ना। टी सॉलिड काम नहीं है, उसमें फंसन है, फंस जाएगा वो 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री में हमेशा चीज फंसती है। 45 डिग्री का जो होता है ना, ये 45 डिग्री बना हुआ है, ये 45 डिग्री है, इसका काम कर रहा है वाईटी के अंदर, तो 45 डिग्री जो होती है वो चीज इम्प्रूव होती है, 90 हो जाएगा तो उसमें फंसा ना। अच्छा, एक वो तरीका है, एक ये भी तरीका है जिस तरीके से आप लगा रहे हो अभी। सेकंड तरीका ये है, आपने वही अप्लाई करना है अपने हेल्पर को यूज करते हुए, आपको बोलना है कि पीछे वाईटी की तरफ बैठ जाए या लॉक कर ले। यहाँ पे आपने लगाई लकड़ी, एक स्टिक दे दी, ठीक हो गया। इसको इस तरीके से लेटी पोजीशन में लेके गए, अब अपसाइड कर दिया इसको,
इसकी सिम देख ली, सीधा है, ओके। ये हो गया हमारा बाथरूम का सेटिंग तैयार। तमाम यहाँ से शक हो रहा है, टब का पानी स्टार्ट गया, कमोड का स्टार्ट गया, वैनिट्री का है, ये गया बाहर। तो ये प्रॉपर हमारी फिटिंग है, सैवरेज भी कंप्लीट हो गया।